कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने कहा, आज लेने आया हूं पर्चा, कल करूंगा नामांकन। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। अजय माकन भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे राजस्थान। आज पी चिदम्बरम से मिले थे दिग्विजय सिंह। दो दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। पी चिदम्बरम से मिले थे, अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की उम्मीद। कांग्रेस से मुलाकातों का दौर जारी। 10 जनपद पहुंचे के सी वेणुगोपाल। आज सोनिया गांधी से गहलोत की हो सकती है मुलाकात, अभी तक नहीं मिला है वक्त। बीती रात जयपुर से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत, विवाद को बताया बेहद छोटा। मुकुल वासनिक की अशोक गहलोत से मुलाकात, राजस्थान के सियासी संकट पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर को होंगे नामांकन। आज दिल्ली में नहीं रहेंगे रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री। आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री, राज्य को 29,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पहले दिन सूरत और भावनगर में पीएम मोदी का रोड शो। अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ। सूरत, अहमदाबाद, भावनगर और अंबाजी में योजनाओं की नींव रखी, कुछ योजनाओं को करेंगे लॉन्च। भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की रखेंगे नींव। सूरत में ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन। शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर 2 धमाकों से हड़कंप। दूसरा धमाका दोमैल इलाके में खड़ी बस में हुआ, एनआईए की टीम मौके पर। उधमपुर में पहला धमाका कल पेट्रोल पंप पर खड़ी खाली बस में हुआ, ब्लास्ट की वजह साफ नहीं। धमाके की वजह से पास में खड़ी दूसरी बस के 2 यात्री जख्मी, मौके पर पुलिस ने की पड़ताल।